हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो आप सभी को प्रजापति द किचन किंग की तरफ से स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ स्वतंत्रता दिवस स्पेशल छेने की मिठाई। तो आइए फ्रेंड्स, बनाना स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको स्पेशल छेना बनाना बताऊंगी, जो मैं फटे हुए दूध से बनाऊंगी। तो मेरे पास 1 लीटर दूध रखा हुआ था जो फट चुका है, तो उसी से मैं आपको छेना बनाना बताऊंगी। तो अगर आज की हमारी रेसिपी आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अब इस छेने को मैं एक प्लेट में ले लूँगी और इसे अपने हथेलियों की सहायता से अच्छे से मसल मसल के इसे हमें बहुत ही स्मूथ बनाना है। आपने मेरे पिछले वीडियो में भी देखा था, मेरा जो पिछला वीडियो था रसगुल्ला और रसमलाई का, जिसमें मैंने उसमें भी दूध फाड़ के मिठाई बनाना बताया है। तो सेम प्रोसेस वही है, इसमें भी ऐसे ही हम हथेलियों की सहायता से छेने को मसल मसल के स्मूथ बना लेंगे। अब मैं इसके अंदर ऐड करूंगी 2 टेबल स्पून मैदा और 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर। अब इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो फ्रेंड्स, हमें इसे हथेलियों से अच्छी तरह मसल मसल के स्मूथ बनाना है। देख सकते हैं हमारा बैटर बिल्कुल तैयार हो गया है। इसे मुझे मसलने में पूरे 4 मिनट लगे हैं फ्रेंड्स। अब हम इसकी 3 लोइयां बना लेंगे। तो आप देख सकते हैं मैंने इसकी 3 लोइयां बना ली हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने रेड कलर ऐड किया है और जब इसे हम अच्छे से मसल मसल के मिलाएंगे तो इसका कलर आप देख रहे हो चेंज हो गया है, ये बिल्कुल केसरिया कलर का हो गया है। तो इसे हम साइड में रख देंगे। अब हम दूसरी लोई लेंगे। तो दूसरी लोई में इसमें हम ग्रीन कलर ऐड कर रहे हैं, तो ये भी 1 चुटकी के करीब है और इसे भी हमें अच्छे से मसल मसल के मिक्स करना है। तो जब हम इसे अच्छे से मसल मसल के मिक्स करेंगे तो कलर इसमें अच्छे से मिक्स हो जाएगा। तो देख सकते हैं फ्रेंड, ये भी हमारा ग्रीन कलर तैयार है और जो हमने 1 लोई रखी थी वो हमारी वाइट ही थी। तो आप देख सकते हैं ये हमारा 3 रंग बन के तैयार है। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कितना अच्छा दिख रहा है, बिल्कुल हमारा जो तिरंगा झंडा होता है उसी की तरह दिख रहा है ये केसरिया वाइट और ग्रीन। तो अब मैं यहाँ पे एक बैट थोड़ा सा लोई तोड़ के लूँगी और इसे हम हाथ के हथेलियों पे रख के छेने का शेप दे देंगे, बिल्कुल ऐसे ही आप देख सकते हैं। तो इसी तरह मैं जितना मेरे पास ये बैटर है सबका मैं ऐसे बना के तैयार कर लूँगी। यहाँ पे सारा छेना मैंने बना लिया, आप देख सकते हो कितना अच्छा दिख रहा है। तो चलिए फ्रेंड्स, इसे हम बना के तैयार कर लेते हैं। तो चाशनी मैंने पहले ही बना ली है, जिसमें मैंने 700 ml 750 ml पानी और 300 ग्राम चीनी लिया था। तो हमारा चाशनी बिल्कुल रेडी है। तो चलिए हम अपना छेना इसके अंदर ऐड कर देते हैं। तो हम एक एक करके छेना इसके अंदर ऐड करेंगे। फ्रेंड्स, हमें छेना ध्यान से इसमें डालना है वरना ये टूट जाएंगे। अगर आप ऐसे 3 कलर में छेना बनाना चाहते हो तो आपको थोड़ी सावधानियां बरतनी होगी, जो मैंने यहाँ पे मिस्टेक कर दी है। अगर आप 3 कलर में छेना बना रहे हो तो जो वाइट वाला छेना है उसे आप पहले बना के निकाल लेना, उसके बाद जो आपका जो आपके पास रेड और ग्रीन कलर का छेना बचेगा उसको उसके बाद फ्राई करना। तो हम इसे 2 मिनट और ऐसे ही पका लेते हैं। तो मैंने ऐसे खुले में इसे 4 मिनट पूरे पका लिए हैं। तो फ्रेंड्स, अब मैं इसे ढक करके 10 मिनट के लिए छोड़ दूंगी, लेकिन बीच बीच में हम 1-2 बार इसे ज़रूर देख लेंगे, चेक कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हो मैं इसे ढक रही हूँ, पर हमें ढक्कन पूरा नहीं बंद करना है वरना जो हमारा शीरा है वो बाहर गिर जाएगा। फ्रेंड्स, आइए अब हम इसे देखते हैं। तो मैं हटा के इसे देख रही हूँ, आप देख सकते हैं हमारे टोटल 10 मिनट हो चुके हैं और जो हमारा छेना है वो अच्छे से पक चुका है। तो अब मैं इसके अंदर यहाँ पे 3 इलायची ऐड कर दूंगी ताकि इसकी खुशबू जो है वो अच्छी आए। तो मैंने इसमें 3 इलायची ऐड कर दी है, आप चाहें तो इसकी जगह इलायची पाउडर ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पे मैंने 3-4 ड्रॉप नींबू के ऐड कर दिए हैं ताकि जो हमारा शीरा है वो इसमें जमे नहीं। आप देख रहे होगे ये शीरे का कलर जो है चेंज हो गया है, येलो कलर का हो गया है। तो फ्रेंड्स, ये इसलिए हुआ क्योंकि मैंने ये कलर वाला जो है छेना बनाया है और इसकी वजह से जो हमारा वाइट वाला छेना था वो भी उसका भी कलर थोड़ा सा येलो हो गया है। तो अगर आप इस तरह से छेना बना रहे हो तो वाइट वाला पहले बना के निकाल लेना, उसके बाद आप जो आपके जो कलरफुल छेने हैं वो बनाना।
तो ये मैंने यहाँ पे मिस्टेक कर दिया था, पर फ्रेंड्स आप इसका ध्यान रखना। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कितना अच्छा दिख रहा है। तो अब मैं इसे फ्रिज में रख दूंगी 1 घंटे के लिए, ताकि ये थोड़ा सा चिल हो जाए। तो फ्रेंड्स टोटल 1 घंटे हो गए हैं, मैंने अपना छेना फ्रिज से निकाल लिया है और मैं इसे एक ट्रे में सर्व कर रही हूँ। तो आप देख सकते हैं हमारा जो छेना है कितना अच्छा दिख रहा है, इसका कलर कितना अच्छा दिख रहा है, बिल्कुल तिरंगे की तरह। तो फ्रेंड्स हमारा छेना आप देख सकते हैं कितना अच्छा दिख रहा है, बहुत ही सॉफ्ट बना हुआ है। तो आज की हमारी रेसिपी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। छेने की रेसिपी अपने घर पे बनाएं, फ्रेंड और फैमिली के साथ एंजॉय करें। थैंक यू।